हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज मैं आपके लिए लाए हूँ कुछ जादुई अंक जिनका हम किसी दूसरी संख्या में गुणा करना सीखेंगे। इन जादुई अंकों का गुणा आप गुणा को देखकर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे पहला हमारा जादुई अंक है, सबसे पहले तो मैं जादुई अंक बता देता हूँ कौन कौन से हमारे जादुई अंक हैं। जादुई अंक 11, 111, 1111, 9, 99, 999, 9999। दोस्तों ये संख्याएं हमारी जादुई संख्याएं हैं। इन संख्याओं का आज हम दूसरी संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये जादुई अंक दूसरी संख्याओं के साथ गुणा कर सकते हैं हम। इससे 807 गुणा 11, मुझे इसका आपस में गुणा करना है। देखिए दोस्तों इसका आंसर कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं गुणा करता हूँ 111, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, इसका अगर मुझे गुणा करना है तो ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों ये गुणा क्यों इतने जल्दी हो पा रहे हैं, चलिए मैं इसको आपको बता देता हूं कैसे करना है। जब हम किसी संख्या में 11 का गुणा करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आखिरी वाला अंक लिखेंगे। आखिरी वाला अंक हमारा 7 का है, 7 है तो मैंने 7 को लिखा। फिर क्या करना है, 7 में ये 0 जोड़ूंगा, 7 में 0 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। फिर इस 0 को 8 में जोड़ना है तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और फिर ये आखिरी में जो अंक है 8, हमारा आंसर इस तरह से लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 11 का गुणा जब मैं 8075 में करूंगा तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे फॉलो किया था, सबसे पहले मैं आखिरी वाला इकाई का अंक लिख दूंगा 5, जैसे जो है वही लिख देना है। फिर हमें 5 में उसके आगे वाला अंक जोड़ना है, 5 में 7 जोड़ूंगा 12 हो जाएगा, एक हासिल आएगी। फिर जो हासिल आई है उसको हम आगे वाले दो अंकों में जोड़ देंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं आई। 0 में 8 जोड़ूंगा 8 आ जाएगा और फिर आखिरी वाला अंक हमें जैसे कि तैसा लिख देना है, है ना दोस्तों। कितना आसान है, आप भी कर सकते हैं। चलिए 111 का बताता हूँ, 111 का किस तरह से होगा। संख्या मैं यही संख्या ले लेता हूँ और इसी में 111 का गुणा करके बताता हूँ किस तरह से गुणा होगा। अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम दो अंकों का जोड़ा कर रहे थे, अब हम यहाँ पे 3 अंकों तक का योग करेंगे। तो सबसे पहले आखिरी वाला अंक को सेम लिख देना है इधर, और यहाँ पर आखिरी वाला जो अंक है उसको हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ 8 आया था, यहाँ 7 आया था, 8 5, इस तरह से। अब क्या करूंगा, सेम 5 में 7 जोड़ूंगा 12 आएगा, एक हासिल आएगी, वो मैं क्या करूंगा, अब मुझे अधिकतम में 3 अंक ले सकता हूँ। फिर 5 में 7 जोड़ूंगा, फिर 0 जोड़ूंगा और वो हासिल जोड़ दूंगा, 7 5 12, 12 में 1 जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा हमारा 13, एक हासिल आई। 7 में 0 जोड़ा, फिर 7 में 0 जोड़ा और फिर 8 जोड़ेंगे, 3 अंकों की संख्या तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 8 में 0 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, एक हासिल आई थी 9 हो जाएगा, और आखिरी वाला अंक इस तरह से। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। कैसे किया मैं इसको स्टेप करके बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने 5 लिखा, फिर उसके बाद मुझे 7 धन 5 करना है, यहां से 5 आएगा, यहां से 12 आएगा, फिर उसके बाद 5 धन 7 धन 0 करना है, ये 12 आएगा, फिर उसके बाद 7 धन 0 धन 8 करना है, ये 15 आएगा, फिर 0 धन 8 करना है, ये 8 आएगा और आखिरी वाला अंक 8 आएगा। यहाँ से मैंने 5 लिखा, यहाँ से 2 लिखूंगा, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो 12 में एक हासिल आएगी तो 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल इसमें जुड़ जाएगी, 15 में एक जुड़ेगा 16, 16 का 6 लिखेंगे, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी, 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 9 6 3 2 5, 8 9 6 3 2 5, इस तरह से हम 111 का
किसी भी कितने भी अंकों की संख्या हो उसमें हम गुणा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 1111 का भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं 9 का बताता हूँ। 9 का गुणा अगर हमें किसी संख्या में करना है तो कैसे करेंगे, 8 गुणा 9 अगर मुझे इसको करना है तो इसको हम वैदिक गणित में एक सूत्र होता है एक न्यूनेन पूर्वेण, आगे वाली संख्या को हमें एक कम करके लिखना है। 8 है तो इसका एक जब मैं इससे कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इस 7 का फिर हमको पूरक लिखना है उसके आगे, तो 7 का पूरक जो है वो 2 हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पूरक संख्या लिख देता हूँ, हम पूरक किस तरह से लिखना है, 1 का पूरक 8 होगा, 2 का पूरक 7 होगा, 3 का पूरक 6 होगा, 4 का पूरक 5 होगा, 5 का पूरक 4 होगा, यानी उसके उल्टे। तो अगर कहीं 8 आएगा तो उसकी जगह हमें उसके आगे पूरक 1 लिख देंगे, 7 आएगा तो 2 लिख देंगे। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब का योग 9 है, तो इसलिए हम 9 को यहाँ पर जादू अंक बोला गया है, क्योंकि इन सभी अंकों का योग 9 आएगा। ये तो हो गया 9 का। 99 का गुणा देख लीजिए किस तरह से 99 का गुणा करेंगे। मैंने संख्या ले ली 82, इसमें हम 99 का गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों कितना आसान है, बहुत कम समय में हम सेकेंड में गुणा इसका आंसर बता सकते हैं। 82 है, इससे एक कम करेंगे तो एक कम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 81। क्या करना है हमें, इसको एक कम करना है, 81 हो जाएगा, फिर हमें इसका पूरक लिख देना है। 1 का पूरक हो जाए 8 का पूरक होगा 1 और 1 का पूरक होगा 8। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। इस तरह से 999 का गुणा देख लीजिए। 999 का 938 गुणा 999, देखिए किस तरह से हमें इसका एक कम करके लिखना है। एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 937। अब हमें पूरक करना है, 9 का पूरक होगा 0, यहाँ पे 9 का पूरक नहीं लिखा, 9 का पूरक लिख देता हूँ, 9 का पूरक होगा 0, क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का पूरक हो जाएगा 0, 3 का पूरक हो जाएगा 6 और 7 का पूरक हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ गया। 4 अंकों की संख्या ले लेता हूँ, इसमें 9999 से गुणा करना है। देखिए क्या करना है, इसको एक कम करके लिख देना है और फिर हमें उसका पूरक लिखना है। ये हो गया, 8 का पूरक हो जाएगा 1, 0 का पूरक हो जाएगा 9, 5 का पूरक हो जाएगा 4, 3 का पूरक हो जाएगा हमारा 6। ये हमारा आंसर आ गया, है ना दोस्तों। कितनी मजेदार संख्याएं हैं हमारी, ये हम इसको किसी को भी बता सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।